नमस्कार साथियों, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। संस्कृति कर्मी, लोक कर्मी, लोक गाथाएं जितनी भी प्रदेश के अंदर गाई जाती, इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, हर प्रकार का प्रोत्साहन देगी। और प्रदेश सरकार ने कोरोना कालखंड के अंदर जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया, सचमुच मैं अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सरकार ने तय किया इनके मानदेय को भी सरकार बढ़ाने जा रही है। इनके मानदेय को एक सम्मानजनक मानदेय इनको प्राप्त हो और ये लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य फिर कर सक जैसे कर रहे हैं, क्योंकि सचमुच उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया गया। लेकिन जब उन्होंने उस आपदा के समय अपनी क्षमता का परिचय दिया, मैंने गांव गांव में जाकर के देखा, उस दौरान मैं सचमुच बहुत अद्भुत था। इस चीज को लेकर के इनका काम बहुत अभिनंदनीय है। सभी ने, रोजगार सेवक ने, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। और इसलिए सरकार ने सफाई कर्मी है, जो चौकीदार है, रसोइया है, बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइया है, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, पीआईडी जवान हैं, इन सब के लिए सरकार मानदेय को, एक सम्मानजनक मानदेय को बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। महोदय, बहुत लंबा नहीं, केवल मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, देखिए, 1.5 साल लगभग 20 महीनों से तो कोरोना का सामना सरकार कर रही है।